जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन डे वन 12 करोड़ 25 लाख की बड़ी कीमत पर बिके सुरेश अय्यर। डबल डिजिट का आंकड़ा पार किया सुरेश अय्यर ने डे वन पर। दोस्तों किस तरीके से इनके पीछे 3 से 4 टीमें पड़ी थी हाथ धोकर, इनको खरीदना चाहती थी अपने खेमे में, किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती थी। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम ने इन पर बोली लगाई, पुरानी फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स इनको वापस लाना चाहती थी, कोलकाता नाइट राइडर भी अपने कप्तान की तलाश में थी, गुजरात टाइटंस जिन्होंने अपना कप्तान पहले से ही तय कर रखा है लेकिन फिर भी अपने मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने के लिए सुरेश अय्यर के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। लेकिन अंत में दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर की बोली लगी 12.5 करोड़ से, बस 25 लाख कम, 12 करोड़ 25 लाख की, और ये यहां पर बिक गए। पिछले सीजन की बात करें तो 8 ही मैचेस खेले थे, 175 रन बनाए थे लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। हम सभी ने देखा किस तरीके से ये खतरनाक बल्लेबाज है मिडिल ऑर्डर के, और एक कप्तान के रूप में भी उभर कर सामने आए थे जब दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करी थी। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर की टीम ने दोस्तों इनकी बोली लगाई 12 करोड़ 25 लाख की और अपने कप्तान की तलाश इनके रूप में कर लिए खत्म। और आगे देखते हैं कोलकाता नाइट राइडर किस किस को खरीदती है और बाकी टीमें किस किस को खरीदती है। लेकिन सबसे बड़ी बोली अब तक कोलकाता नाइट राइडर ने 12 करोड़ 25 लाख की सुरेश अय्यर के रूप में लगाई है। क्या दोस्तों आप इस फैसले से खुश है कोलकाता नाइट राइडर के, या उनको कप्तान के रूप में पैट कमिंस को भी मौका देना चाहिए? अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन जुड़ी हर रिलेटेड बड़ी खबर के लिए चैनल सब्सक्राइब कर बने हमारे साथ नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की।